एंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ अस, प्रभु आपका वचन जो हम लोग को प्रभु जी पूरा रीति से बदल देता है, हम लोग को रूपांतर कर देता है, हम लोग को शक्ति देता है प्रभु जी उस वचन से प्रभु जी हम लोग को पढ़ने के लिए, प्रभु आप हम लोग को हर एक को सहायता करना। दैवे नम्मले एल्लावरे दैव वचन हल्लेलुया हल्लेलुया नरच ദൈവ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന ദൈവമേ അത് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവമേ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹല്ലേലൂയ ജീവനും ചൈതന്യവും നൽകുവാൻ പ്രഭാക്ക വചനം പ്രതി മർദ്ദിക്കുമേ ജീവൻ ഓർ ഹല്ലേലൂയ ശക്തി ദേനിക്കല് പ്രതി അപ്പം മർദ്ദിക്കുമേ സാധകരാങ്കി അത് വിശ്വാസ കത്തെ പ്രഭു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ അപ്പം മർദ്ദിക്കുമേ കാം കരങ്കി വിശ്വാസ കത്തെ പ്രഭു സാരി മഹിമാ പ്രഭു അപ്പ ദേത്തെ ഹേ പ്രഭു യേശു മസീഹ കേ നാം സേ മാംഗത്തെ ഹേ ആമേൻ. प्रभु के सन्निधि में और एक बार आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा शक्ति और कृपा देता है, प्रभु हम लोग को शक्ति देता है, कृपा देता है. प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में बदलावट लेके आता है, हम लोग को हमारी जिंदगी में रूपांतर करके लेके आता है. ये बात हम लोग को समझने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में और वचन प्रभु हम लोग को देते रहते हैं. एवरी डे व्हेन वी लुक इनटू द वर्ड अपीयर्स टू बी मच newer than what we read it before. हर बार हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग पढ़ते समय पर प्रभु का वचन और नया जैसा हम लोग को दिखता है. आज मैं प्रभु का वचन से हम लोग प्रार्थना का शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते समय पर प्रार्थना का पिछले बार हम लोग प्रार्थना के बारे में कुछ बातें हम लोग देखी. आज हम लोग विश्वास से प्रार्थना करने की बातें, विश्वास प्रार्थना, विश्वास से प्रार्थना करना है तो हम लोग एक विश्वासी बनना है. വിശ്വാസത്തോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. വിശ്വാസത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വിശ്വാസി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. വെൻ വി ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ബിലീവിംഗ് ആൻഡ് പ്രേയിങ്. വിശ്വാസ കർക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കർണാ ഹെ. വിശ്വാസത്തോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു പ്രേ വിത്ത് ഫെയ്ത്ത്. സോ വെൻ വി പ്രേ വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഗാഡ് വിൽ ഹിയർ ആർ പ്രേയർ. നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രാർത്ഥന കത്ത സമയ പേർ പ്രഭു ഹമാര പ്രാർത്ഥന സുനത്തെ ഹെ. एलिया के प्रार्थना के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो विश्वास से प्रार्थना किया. वी प्रेड विथ फेथ. आज हम लोग के जिंदगी में विश्वास का प्रार्थना, आज हम लोग आजू बाजू में देखते समय पर बहुत सारे विश्वासी लोग हम लोग देखते हैं. वी सी अ लॉट ऑफ बिलीवर्स. लेकिन आज हम लोग के जिंदगी में हम लोग थोड़ा जांच कर देखेंगे सचमुच हम लोग विश्वासी है क्या. आर वी रियली बिलीवर्स और नॉट ट्रू बिलीवर्स. सच्चे विश्वास हम लोग है क्या, ये अपना जिंदगी में थोड़ा जांच कर प्रभु का वचन से ही हम लोग सबसे अच्छा जो स्टैंडर्ड है प्रभु का वचन है. हम लोग को माफ करने के लिए, हम लोग को चेक करने के लिए कि सचमुच मैं विश्वासी हूँ कि नहीं है, विश्वास मेरे अंदर में है कि नहीं है. हमारी जिंदगी में ये बात हमारी जिंदगी में समझ में आएंगे जब हम लोग प्रभु का वचन में हम लोग चले जाते हैं. लेकिन एक बात स्पष्ट प्रभु का वचन में हम लोग को ये बात समझते हैं कि अंतिम दिनों में दो तरीके के लोग हम लोग के बीच में हम लोग मिलेंगे. इन द एंड टाइम्स टू टाइप्स ऑफ पीपल विल बी श्योरली अवेलेबल अमंग द बिलीवर्स. वन इज ट्रू बिलीवर्स एंड सेकेंड इज फॉल्स बिलीवर्स. फॉल्स बोलने के लिए उसके लिए प्रभु का वचन से मैं कुछ बातें मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा. वाई वी से ट्रू बिलीवर्स एंड वाई वी से फॉल्स बिलीवर्स. सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासी, इसके बारे में क्यों प्रभु का वचन हम लोग को क्या सिखाते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे. पहला बात हम लोग को समझना है विश्वास कैसा आता है. हाउ डज फेथ कम. फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. रोमियों 10वां अध्याय उसका 17वां वचन हम लोग ये बात स्पष्ट प्रभु का वचन हम लोग को सिखाते हैं. रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 इट्स वेरी क्लियरली टीचेस अस दैट फेथ कम्स बाय हियरिंग and hearing by the word of God. प्रभु का वचन से जो बातें प्रभु हम लोग को सुनाता है उसके हिसाब से प्रभु हमारे जिंदगी में हमारे अंदर में प्रभु का वचन के ऊपर, प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ता है. One thing is sure, faith comes by hearing. एक बात तो स्पष्ट है, विश्वास सुनने से आता है. हम लोग बच्चों से कभी कभी ऐसा बोलते हैं, तेरा सर में क्या है, तेरा सर में क्या है, तेरा सर में क्या है. एक तीन बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोलने के बाद बच्चे भी अपने मन में सोचने के लिए शुरू किया, क्या कुछ मेरे सर के अंदर कुछ है क्या. आफ्टर स्पीकिंग 3 to 4 टाइम्स टू अ चाइल्ड व्हाट इज इन योर हेड. നിന്റെ തലയ്ക്ക് അതെന്താ. ഒരു കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞ 10 പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞും തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, എൻ്റെ തലയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്.
When I speak to a child again and again, something is wrong with your head, the child starts thinking in his mind that yes, something is wrong with my head because he keeps on repeating something wrong. So faith comes by hearing. So what you hear, there you will develop faith. जो आप विश्वास करते हो, जो आप सुनते हो, उससे आप विश्वास उत्पन्न करते हैं. So faith comes by hearing. अभी हम लोग वचन में सच्चा विश्वासी के बारे में हम लोग थोड़ा बातें हम लोग प्रभु का वचन से हम देखेंगे. पहला पत्रस का दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन में हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:2 1 and 2 वी कैन रीड. पहला और दूसरा वचन हम लोग पढ़ सकते हैं. फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:1 and 2 Therefore laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy and all evil speaking, as newborn babes desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Amen. हिंदी में पढ़िए. इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. पत्रस प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु बात करते हैं. पत्रस के द्वारा प्रभु बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू पत्रस का पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं इस समय, टू द इलेक्ट अकॉर्डिंग टू द फोर नॉलेज ऑफ गॉड द फादर. प्रभु के चुने हुए लोगों को ये पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा पत्रस उनसे बात करते हैं. और पत्रस ऐसा बोलते हैं, छोटे शिष्य के समान. क्या लिखा है सर दूसरा वचन? नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध के लिए लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. ये जो उद्धार के बारे में बोलते हैं, हमारा जिंदगी में आत्मा का उद्धार हुआ है, हमारा प्राण का उद्धार अभी हो रहा है, और अंत में हमारा शरीर भी उसमें पूरा रीति से उद्धार प्राप्त करेंगे. सो टोटल वी आर गोइंग टू बी टोटली सेव्ड. लेकिन हमारा पूरा उद्धार हुआ नहीं है. पूरा उद्धार तभी होगा जब हम लोग इस दुनिया से हम लोग अलग होकर प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग जाके रहेंगे, तभी हमारा उद्धार पूरा होता है. When we are saved completely from the presence of sin itself, जो पाप का जो सनिधि है, पाप से सारे दुनिया के सारे लालसाओं से, सारे अवस्थाओं से दूर होते समय पर, उसमें से पूरा रीति से छुटकारा प्राप्त कर समय का प्राप्त होते समय पर हमारा उद्धार पूरा होता है. और प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, प्रभु का निर्मल वचन जो दूध है, वो दूध को आप लालसा करो, ताकि उसके द्वारा आपके जिंदगी में उद्धार में हम लोग बढ़ते जाए. डिजायर फॉर दैट सिंसियर मिल्क ऑफ गॉड, डिजायर फॉर दैट सिंसियर मिल्क ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दैट यू मे ग्रो इन सैल्वेशन. कुछ लोग बोलते हैं, एक बार उद्धार पाया तो हमारी जिंदगी में उद्धार पाया. नो, यू हैव टू ग्रो इन योर सैल्वेशन. आपका उद्धार में आपको बढ़ते जाना जरूरी है. और उद्धार में कैसा बढ़ते हैं? जब हम लोग प्रभु का वचन को हम लोग खाते हैं, हम लोग लालसा करते हैं, प्रभु का वचन और हमारी जिंदगी में अंदर आते हैं, हमारी जिंदगी में विश्वास उत्पन्न करके, वो विश्वास के द्वारा हमारी जिंदगी में प्रभु का उद्धार में हम लोग बढ़ते जाएंगे. So through the word, that word of God that goes into our hearts, through the word of God that we are eating, what happens is salvation. We grow in the salvation towards God. Prabhu ka udhar mein hum log badhte jayenge. Devatinte aa vidudal nathu nammal valangondirikkum. Devatinte aa rakshikkatha nammal valangondirikkum. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ധാർ പായവ ലോകേ ബോൾക്കർ നമ്മൾ ബോൾത്തെ ഹെ വി സേ ദാറ്റ് വി ആർ സേവ്ഡ് ബട്ട് സേവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അൺടിൽ യു ആർ സേവ്ഡ് ഈവൻ ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിൻ. ദ സാൽവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ഉദ്ധാർ കോ അനുഭവം ഹെ
वो अनुभव पूरा हुआ नहीं है जब तक हम लोग पाप का जो सन्निधि है उधर से हम लोग दूर हो जाते हैं, दुनिया से दूर हो जाते हैं। सो वी हैव टू ग्रो इन द सल्वेशन दैट गॉड हैज गिवन टू अस। प्रभु का जो उद्धार है ദൈവത്തിന്റെ ആ രക്ഷയിൽ നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓ ഉദ്ധാരം ബഡത്തെ സമയോ സച്ചേ വിശ്വാസം ബഡത്തെ ജായേ ഉസ്മേ ഓരോ ഡിസൈറിംഗ് സിൻസിയർ മിൽക്ക് ഹോ നിർമ്മൽ പ്രഭു കാ ദൂധ് വചൻ കാ ദൂധ് ബോലാ തോ there could be dilutions, there could be adulterations, there could be poisonous things put into it. Prabhu ka vachan ka nirmal doodh hum log ko chahna hai, humko lalsa karna hai. Uska matlab kya ho gaya? Nirmal nahi hai, aisa baatein bhi aapko mil sakta hai. Uska matlab ye bhi hota hai ki usme dilution ho sakta hai. If you want, you can dilute it. So God's word says that we have to, if you want to grow in your salvation, आपका उद्धार में आपको बढ़ना है तो निर्मल दूध, undiluted word of God, pure, sincere word of God. आप प्रभु का उद्धार में बढ़ना है तो प्रभु का वचन बिना कोई dilution के साथ, हम लोग को वचन जैसा है वैसा ही हम लोग लेते समय पर हमारी जिंदगी में हम लोग प्रभु का जो उद्धार है उसमें हम लोग बढ़ते जा सकता है. एंड देयर इज द ट्रू बिलीवर्स. सो ट्रू बिलीवर्स व्हाट दे आर, दे वुड बी ऑलवेज डिजायरिंग फॉर सिंसियर वर्ड ऑफ गॉड, दे विल बी ऑलवेज डिजायरिंग फॉर प्योर वर्ड ऑफ गॉड, दे विल नॉट वॉन्ट एनी डाइल्यूशन. प्रभु के बच्चे जो है, जो सच्चे विश्वासी है, उन लोग क्या चाहेंगे? प्रभु मुझे तकलीफ होने दो, कोई तकलीफ नहीं है, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ा दर्द निकालने का अवस्था होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका वचन जैसा ही है वैसा ही मुझे आना है. लॉर्ड आई वॉन्ट टू टेक योर वर्ड जस्ट एज इट इज, आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी एडल्ट्रेशन द वर्ड ऑफ गॉड. प्रभु का वचन जैसा है वैसा ही प्रभु मैं पाना चाहता हूं. तो ये नया विश्वासी और पुराने विश्वासी दोनों अपना अपना जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना एक बात है कि हम लोग सच्चे विश्वासी है क्या. डू वी रियली सिंसियरली डिजायर फॉर दैट प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का उस निर्मल वचन को, पवित्र वचन को, बिना कोई डाइल्यूशन के साथ, बिना कोई अडल्ट्रेशन के साथ हम लोगों वचन को स्वीकार करने के लिए हम लोग का मन होता है क्या? वो कैसा मालूम पड़ते हैं? हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हेन समबडी थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड टॉक्स टू यू अबाउट समथिंग टू करेक्ट फ्रॉम योर लाइफ. प्रभु का वचन से आपके जिंदगी में कुछ बातें ठीक करने की बातें आपके जिंदगी की ओर किसी ने बोला तो आप ले पाते हैं क्या? Are you able to accept the word of God when it comes like a correction to you? प्रभु का वचन आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा किसी चेतावनी के रूप में आपके सन्निधि में आते हैं तो आप ले पाते हैं क्या? If you are able to take it, that means you are a true believer. तभी एक सच्चे विश्वासी होते हैं. कारण सच्चे विश्वासी लोग जैसा है निर्मल वचन, निर्मल वचन, प्रभु का वचन जैसा ही है, प्रभु का वचन में है तो मुझे उसको पालन करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. इफ द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग दैट आई नीड टू फॉलो इट, नो कंडीशंस अहेड, ये सच्चा विश्वासी का एक चिन्ह है. दूसरा एक विश्वासी के बारे में हम लोग देखेंगे. Let us look at another type of believers. Let us come to 2 Timothy. 2 Timothy 4th adhyay. Second Timothy chapter 4, verses 3 and 4.
तीन और चार। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 4:3-4। The time will come when they will not endure sound doctrine. A time will come when they will not endure sound doctrine. Okay. But according to their own desires. But they want their own desires to be fulfilled. Because they have itching ears. They want to hear something that they like. Okay. They will heap up for themselves teachers. They will bring teachers who can speak that is itching to them, that who can speak what they like. Okay, what else? And they will turn their ears away from the truth. And return aside to fables. And they like a lot of fables, lot of stories. Hindi mein padhiye. Kyunki aisa samay aayega jab log khara upadesh na khara upadesh bola to hum log ki zindagi mein theek hone ki baat hai. उपदेश बोलना है बोला तो हमारी जिंदगी में जो सही नहीं है उसको ठीक करने के लिए प्रभु देता हुआ उपदेश ऐसा एक समय आएंगे जब लोग खरा उपदेश को लेने के लिए उनके मन नहीं है। आगे बढ़िए। पर खानों की खुजली के कारण, लेकिन कान को खुजली देता हुआ बात है बोला तो कान को सुनने के लिए अच्छा लगता हुआ बात है। अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक लोग मिलेंगे। दे विल गेट टीचर्स हु विल स्पीक टू देम दैट इज प्लीजिंग टू हियर फॉर देम। ओके, और चौथा वचन, और अपने कान सत्य से फेर कर, अपना कान सच्चाई से दूर करके खता कहानियों पर लगाएंगे, और बहुत सारे कहानियों के ऊपर उनका कान लगाएंगे। आज हम लोग विश्वासियों के बीच में ये बात हम लोग को देखते हैं। अपना जिंदगी में थोड़ा जांच कर देखेंगे हम लोग कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में ये बात है कि हम लोग सच्चे विश्वासी है या झूठे विश्वासी। प्रभु का वचन बोलते हैं समय आएंगे और यह समय आ गया है, समय आ गया। ये बात बहुत सारे लोग प्रभु का वचन सुनते समय पर कान को खुजली देता हुआ बात है, सुनने के लिए अच्छा लगता हुआ बात है, अपने अपने इच्छाओं के अनुसार बात करने वाले पास्टर लोगों को, उपदेश लोगों को उन लोग ढूंढते हैं। ऐसा समय आएगा बोल के प्रभु का वचन बोलते हैं। तो ये दो तरीके के विश्वासी लोग हम लोग को इस दुनिया में हम लोग आज देख सकते हैं। एक अपने कान को खुजली करने वाले उपदेशक लोगों को लेके आएंगे। उन लोगों को क्या है, सच्चाई से उन लोग सच्चाई उनको सुनना नहीं है। दे डोंट वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ। एंड उसका अंत क्या होता है, उन लोग अपने आप को अपना इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मेरा बेटा का शादी होना है, मेरा बेटी का भविष्य अच्छा होना है, उनको अच्छा नौकरी मिलना है, ऐसा बहुत सारे चाहते अपने इच्छाओं के अनुसार। और कोई आके अपना बेटे के बारे में, अपना बेटी के बारे में, भविष्य के बारे में, वो नौकरी मिलेगा, अमेरिका में जाएगा, यूके में जाएगा, अभी किसी को जाना भी नहीं है, नोबडी वॉन्ट्स टू गो ऑल्सो टूडे। बट देर वॉज इट, ये टाइम, ये समय आया था, ये अभी भी प्रभु के जनों के बीच में ये बात है, सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासी। सच्चे विश्वासी ये है जो सच्चाई का वचन को खट पकड़े, ट्रू बिलीवर्स आर दोस हु होल्ड ऑन टू द ट्रूथ एंड दे विल ग्रो, उन लोग उद्धार में बढ़ेंगे। सत्य विश्वासी अवरे आ निर्मलमाय दैव वचनम കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ആ രക്ഷയ്ക്കകത്ത് അവർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവര് ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത്, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് കേൾക്കാൻ മാത്രം തയ്യാറാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസി കൂട്ടം, അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട,
അവർക്ക് സത്യവചനം കേൾക്കണ്ട, അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശം ഒന്നും കേൾക്കണ്ട, ശരിയാകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. झूठे विश्वासी लोग ऐसे हैं, उनके जिंदगी में ठीक करने की बातें उनको सुनना नहीं है, सच्चाई की बातें सुनना नहीं है, सिर्फ उनको इतना ही सुनना है कि कल क्या होगा, मेरे जिंदगी में कल क्या होगा, इस दुनिया में मुझे मेरा ये तकलीफ सब खत्म हो जाएगा क्या, मेरे जिंदगी में पैसा अच्छा मिलेगा क्या, नौकरी अच्छा मिलेगा क्या, मेरा बेटी बेटा उनका भविष्य क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, गाड़ी का क्या होगा, दुनिया की बातों में लगा हुआ, दुनिया की अवस्थाओं में लगा हुआ एक विश्वासी झुंड. हम लोग अपने आप को जांच कर देखना जरूरी है. वेयर इज आवर फेथ सेट ऑन, हमारा विश्वास किधर 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 लगा हुआ है. और एक हम लोग ये दोनों के बीच में, ऐसे ये दोनों झुंड के बीच में हम लोग और एक वचन हम लोग देखेंगे. पहला कोरिंथी, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 उसका 22, 23 और 24. For Jews request a sign, yeah, and Greeks seek after wisdom. Yes. But we preach Christ crucified. Yes. To the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. Yes. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Here also we can see two groups of people among believers itself. One group who is looking for signs and wonders. And the same group, there's another part of that group which looks for wisdom. Some require a sign, some go after wisdom. So there is one group, they are the false believers. Yeah, this false believers, what they do, they require a sign. They always want miracles, they want signs, they want wonders, they want wisdom, they want to increase in the knowledge. The second group, they want only Jesus Christ. They want only the crucified Jesus Christ. They preach only crucified Jesus Christ. So these two groups are very much vivid in the church today. हिंदी में पढ़िए. यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान के खोज में है. यूनानी ज्ञान के खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर के कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है. सो हियर इज वेरी क्लियरली रिटन, इधर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ बात है. ऐसा एक झुंड है, झूठे विश्वासियों का एक झुंड बोल रहा है, जो चिन्ह को ढूंढता है, चमत्कारों को ढूंढता है. और एक झुंड है उनके बीच में ही, जो ज्यादा जानकारी ढूंढता है, ज्यादा ज्ञान ढूंढते हैं. और सच्चे विश्वासियों के झुंड में क्रिस्त यीशु मसीह को ढूंढता है, क्रूस में चढ़ा हुआ यीशु मसीह को ढूंढता है. आप कौन से झुंड में हो, अपना अपना जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना जरूरी है कि हम लोग कौन से झुंड में है. इन विच ग्रुप आर वी, आर वी इन द ग्रुप सीकिंग फॉर साइंस एंड वंडर्स, आर वी इन द ग्रुप वांटिंग टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज, और आर वी इन द ग्रुप सीकिंग क्राइस्ट क्रूसिफाइड. हम लोग नम ग्रूप चल रहेन चिन्ह सैंसल वे वीर प्रवृत्ति वे वे कूट ज्ञान वे सत्य विश्वास येशु क्रिस्तुने अन्वेषि जीविक हम लोग कौन से झुंड में है, अपना अपना जिंदगी में थोड़ा जांच कर देखना है. इनका तीनों का अंत क्या है, ये भी इधर लिखा है. ऑल द एंड ऑफ ऑल दिस टू ग्रुप्स ऑफ पीपल लिखा है कि
जो छिन्न 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 मानते हैं उनके लिए प्रभु का सुसमाचार एक गिरने का वस्तु बन जाता है, स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाता है, ठोकर खाने का विषय हो जाता है। प्रभु का सच्चाई का वचन उनके लिए ठोकर खाने का विषय हो जाते हैं। दे गेट ऑफेंडेड वेरी फास्ट व्हेन समबडी टॉक्स टू देम द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। दे गेट ऑफेंडेड वेरी फास्ट, इट बिकम्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर देम बिकॉज दे कैन नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ। और जो लोग ज्ञान चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर विस्डम, दे आर लुकिंग फॉर नॉलेज। व्हाई डिड जीसस डाई? हे, इट्स फूलिशनेस। सो फॉर देम इट इज व्हेन दे गो मोर एंड मोर इनटू द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन का सच्चाई की ओर उन लोग और गहराई में जाने के लिए शुरू करते समय पर उनके लिए मूर्खता की बात है। लेकिन सच्चे विश्वासियों को, द ट्रू बिलीवर्स, व्हेन दे सी क्राइस्ट क्रूसिफाइड, उन लोग क्रूस में चढ़ा हुआ यीशु मसीह को ढूंढते समय पर, सच्चे विश्वासी अवर कृषि के पट येसु क्रिस्तु ने मात्र मनुष्य जीव किया मिल अवर जीवित अद दैव शक्ति दैव ज्ञान अवर जीवित वेपड़ उनके जिंदगी में प्रभु का शक्ति और प्रभु का ज्ञान उनके जिंदगी में प्रकट हो जाता है। हालेलुया। तो हम लोग अभी वी आर लुकिंग इन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वन इज द फॉल्स बिलीवर्स एंड वन इज द ट्रू बिलीवर्स। अर्लियर व्हाट आई स्पोक टू यू वॉज the false believers, they go after reaching ears, they will go after things that they can hear pleasing to them, and they end up fulfilling their own lusts, fulfilling their own desires. True believers, on the other contrary, desire for the sincere milk of the word of God. They desire for that unadulterated word of God, unadulterated truth, and they grow in salvation. पहले हम लोग सुन चुके हैं, झूठे विश्वासी लोग कान को खुजली कर देता हुआ बातों को सुनकर उसमें उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए अपने अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताने के लोगों का आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच्चे विश्वासी लोग क्या करते हैं? सच्चा वचन, निष्कपट वचन, जो निर्मल प्रभु का वचन है, वो वचन को अंदर लेने के लिए उन लोग कोशिश करते हैं, और उसके द्वारा उन लोग प्रभु का रक्षा में, प्रभु का उद्धार में उन लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखें, झूठे विश्वासी लोग छिन्न के पीछे भागते हैं, और सच्चाई उनके सामने आते समय पर उन लोग ठोकर खाने का विषय हो जाते हैं, उन लोग गिर जाते हैं। और एक झुंड है उनके बीच में जो ज्ञान को ढूंढते हैं। ये सारे बातें अपने समझ से समझने के लिए उन लोग कोशिश करते हैं, और जैसे ही उन लोग गहराई में जाते हैं, सच्चाई की ओर जाते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु एक मूर्खता है, उनको प्रभु एक राजा आकर हमारे लिए मरना उनके लिए एक मूर्खता है। लेकिन सच्चा विश्वासी लोगों को जो क्रूस किया हुआ यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को, हालेलुया, ये वचन, ये जो वचन जो है उनके लिए शक्ति, उनके लिए इट्स द पावर ऑफ गॉड, शक्ति और प्रभु का ज्ञान बढ़ाते जाते हैं। हालेलुया। और एक डिफरेंस हम लोग देखेंगे, और वील सी वन मोर डिफरेंस। पहला तिमोथी का उसका पहला अध्याय उसका पांचवा वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पांचवा अध्याय, पहला अध्याय पांचवा वचन, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर वन Verse 5. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from a sincere faith. Amen. In the Hindi mein padhiye. Agya ka saramsh yahi hai ki shuddh man aur acche vivek aur kapati rahit vishwas se prem utpann karo. तो एंड ऑफ द कमांडमेंट इज रिटन हियर, एंड ऑफ द कमांडमेंट, हम लोग प्रभु का सारी आज्ञाएं पालन करके हमारी जिंदगी का अंत में हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, प्रभु का वचन को पालन करके हमारी जिंदगी में अंत में हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, इसके बारे में लिखा है। एंड ऑफ द कमांडमेंट इज लव आउट ऑफ अ प्योर हार्ट, गुड कॉन्शियस एंड अनफेइंड फेथ। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ फेथ? अनफेइंड फेथ। कैसा विश्वास है? निष्कपट विश्वास।
सारे सारे आज्ञा का अंत यही है, सारे सारे प्रभु के वचन का अंत यही होना चाहिए कि हमारे जिंदगी में प्रेम जो उत्पन्न होता है किधर से उत्पन्न होना है, एक एक शुद्ध हृदय से और अच्छे मनसाक्षी से, और तीसरा जो बोलता है निष्कपट विश्वास से, मलयालम निर्व्याज विश्वास। अप व्याज विश्वास उंड निर्व्याज विश्वास उंड, अनफेइंड फेथ एंड फेइंड फेथ, व्हाट इज द डिफरेंस, इसके बीच में क्या फर्क है? अनफेइंड फेथ इज देयर इज नो हिपोक्रेसी इन दैट, यू डोंट हैव सम अदर डिजायर्स इनसाइड एंड आउटवर्ड यू शो समथिंग एल्स। आपके दिल में कुछ अलग इच्छाएं और बाहर से आप प्रभु का विश्वास ये बोलकर जीवन बिताता हुआ एक बात है, उसको बोलता है कपटी विश्वास। लेकिन इधर बोलता है निष्कपटी विश्वास, बोलो तो आपके अंदर और बाहर सेम टू सेम, अंदर और बाहर एक समान होता हुआ एक विश्वास। बोलो तो जितना विश्वास अंदर है उतना विश्वास बाहर भी है, जितना खुशी अंदर है उतना खुशी बाहर भी है, जितना प्रेम अंदर है उतना प्रेम बाहर भी है। हालेलुया। सो सच्चे ये होता है क्या है, सच्चे दिल से अच्छे मनसाक्षी से और निष्कपट विश्वास से होता हुआ एक बात है। तो सच्चे विश्वासी के जिंदगी में निष्कपट विश्वास रहेंगे। इफ यू आर अ ट्रू बिलीवर यू विल हैव अनफेइंड फेथ, निष्कपट विश्वास, कपटी विश्वास नहीं। कपटी विश्वास के बारे में हम लोग बहुत सारे बातें प्रभु का वचन से बात कर सकते हैं, वो लेने के लिए अभी समय नहीं है। आपको पढ़ना है तो मत्ती 23वां अध्याय में जाके पढ़ो, फरीसी और सदूसी के बारे में, फरीसी के बारे में प्रभु पूरा अध्याय है, उन लोग उनके कपटता के बारे में लिखा हुआ बातें हैं। बाहर से जो करता वो बहुत सारी बात है, बाहर से उन लोग बहुत कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु को दान देते हैं, दशमा भाग देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंदर में विश्वास नहीं है। प्रभु बोलता है निष्कपट विश्वास, और उसके बोले तो दिल, सच्चा दिल, अच्छा मनसाची और निष्कपट विश्वास, उसके अंदर से उत्पन्न होता हुआ एक प्रेम है। How that is developed in this faith, in this unfeigned faith, and that is, let us read 2 Corinthians chapter 6 verse 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 6. दूसरा कुरिन्थी छठवां अध्याय उसका छठवां वचन पढ़ेंगे। By purity, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love. Praise the Lord. The sincere love is a result of sincere faith. What we read in 1 Timothy chapter 1 verse 5 is the goal of the commandment, end of the commandment is love out of a pure heart, good conscience and unfeigned faith. So if you have unfeigned faith, then you have unfeigned love. If you have sincere faith, you have sincere love. आपके जिंदगी में निष्कपट विश्वास है तो निष्कपट प्रेम भी रहेंगे। इट्स वेरी मच इंटरलिंक्ड। इफ यू हैव ट्रू फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के ऊपर सच्चा विश्वास आपके जिंदगी में है तो आपके जिंदगी में प्रेम भी रहेगा, जो सच्चा प्रेम रहेगा। बिकॉज ऑल व्हाट वी रिसीव इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में प्राप्त करता हुआ हर एक बात हमारे विश्वास से ही हम लोग को मिलता है। It's only on our faith we receive everything from God. प्रभु से सारे बातें हम लोग विश्वास से ही हम लोग को मिलता है। हिंदी में पढ़िए 2 कुरिन्थियों छठवां अध्याय छठवां वचन। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से,
पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे प्रेम से. Okay, but in the original translations, everywhere it is unfeigned love. Just like what was written in Vashtibodhi chapter 1 verse 5, unfeigned faith, the same thing is written here, unfeigned love, love unfeigned. तो निष्कपट विश्वास से उत्पन्न होता हुआ एक बात है निष्कपट प्रेम. तो हमारी जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना है. वी नीड टू चेक आवर लाइव्स. डू वी हैव अनफेंड फेथ और फेंड फेथ? निष्कपट विश्वास है या कपटी विश्वास है? निष्कपट विश्वास है तो उसका उत्पन्न, उसका फ्रूट यह है निष्कपट प्रेम, बिना कोई दिखावटी प्रेम, शर्त के बिना प्रेम, सच्चा प्रेम. निर्व्याज विश्वास ताल निर्व्याज स्नेह उंडागु. ആ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഓ വ്യാജ വിശ്വാസമാണോ അതോ നിർവ്യാജ വിശ്വാസമാണോ? झूठा विश्वास है क्या, सच्चा विश्वास है क्या? अपने अपने जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना. प्रभु का वचन बहुत साफ है, प्रार्थना करने से पहले सच्चा विश्वास होना चाहिए. एंड मेनी टाइम वी से वी हैव फेथ बट वी डोंट हैव फेथ. हम लोग बहुत बार बोलते हैं हम लोग को विश्वास है, इसलिए प्रभु का वचन बोलता है यू आस्क बट यू डोंट रिसीव बिकॉज यू आस्क अमिस. आप पूछते हो, मानते हो, लेकिन आप पाते नहीं, कारण आप उधर झूठा रीति से पूछते हैं. आपके आपके इच्छाओं के अनुसार पूरा करने के लिए आप पूछते हैं, इसलिए आप पाते नहीं है. सो अपना जिंदगी में प्रार्थना में शक्ति आना है तो इफ यू वॉन्ट स्ट्रेंथ इन योर प्रेयर, आपका प्रार्थना में आपको शक्ति लेके आना है तो आपके जिंदगी में सच्चा विश्वास होना बहुत जरूरी है. आज हम लोग इतना ही, हम लोग बहुत कड़क है, इसलिए थोड़ा वचन होने के लिए समय लगता है. दिस वर्ड इज समथिंग दैट इज रियली हार्ड, सो इट टेक्स टाइम फॉर डाइजेशन. लेट अस चेक आवर लाइव्स. आर वी ट्रू बिलीवर्स और आर वी फॉल्स बिलीवर्स? बोलो तो नाम के लिए विश्वासी है या सच्चे विश्वासी है, ये अपने अपने जिंदगी में हम लोग जांच कर देखना. दिस इज फॉर मी एंड फॉर ईच वन ऑफ अस, हमारे लिए और सबके लिए जो भी प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है बोलकर हम लोग बोलते हैं. हर एक व्यक्ति को यह बात अपने अपने जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना है कि हमारी जिंदगी में विश्वास किस तरीके से है. What sort of faith is working in our lives? हमारी जिंदगी में कौन सा विश्वास हमारी जिंदगी में काम करते हैं? हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कृपा पूछेंगे, प्रभु का वचन का सच्चा निर्मल वचन खाने के लिए, और हमारी जिंदगी में प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु का वचन के अनुसार जो निर्व्याज निष्कपट विश्वास जो है वो विश्वास हमारे अंदर आने के लिए. क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह के बारे में ज्यादा हमारी जिंदगी में ध्यान करने के लिए हम लोग मन करेंगे. प्रभु हम लोग को सबको सहायता करें. लेट्स ऑल प्रे. हम लोग प्रार्थना करेंगे. प्यारा प्रभु, हम आपके सन्निधि में आते हैं. तुझे आपका वचन कितना सच्चा है, तुझे हर एक बात है प्रभु आपके वचन में हम लोग के लिए लिख के दिया हुआ है. हमारी जिंदगी में सच्चा विश्वास है कि नहीं है, निष्कपट है क्या, कपटी विश्वास है? अपने जिंदगी में जांच कर देखने के लिए कपटी विश्वास का कोई चिन्ह है तो, कपड़ी विश्वास का कोई अंश हमारी जिंदगी में है तो प्रभु हम लोग को पूरा रीति से उसमें से बाहर निकल कर सच्चा विश्वास में हमारी जिंदगी में होने के लिए तुझे आपका वचन अच्छी तरह से खाकर जो उपदेश प्रभु जी आपका वचन देता है वो वचन हमारी जिंदगी में काम करने के लिए तुझे हम अपने आप को समर्पण करते हैं. तुझे सुनाया हुआ हर एक वचन के लिए धन्यवाद. तुझे हमारे साथ तुझे आज शाम को जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को, हर एक परिवारों को, हर एक बच्चों को, और जो भी प्रभु ये वचन बाद में सुनते हैं हर एक की जिंदगी में, तो जी ये बातें होने के लिए तुझे प्रार्थना करते हैं. तो जी आपका वचन हमारी जिंदगी में बदलाव लेके आएंगे, विश्वास करते. लॉर्ड इट्स ए वर्ड दैट ब्रिंग्स द डिलीवरेंस, इट्स द वर्ड, इट्स ए वर्ड दैट चेंजेस अस. अगर वचन नामले रूपांतरपड़ती एड़को
अंगड़ वचनता नमले शुद्धीकरण चढ़कर प्रभु आपका वचन से प्रभु हम लोग को शुद्धीकरण करके ले दाना क्लेंस अस विद योर वर्ड थैंक यू लॉर्ड फॉर योर गोइंग टू डू दैट मार्वेलस वर्क इन ईच वन ऑफ आवर लाइव्स थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस प्रभु आपका वचन के लिए धन्यवाद करते हैं सारे महिमा और प्रभु को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन गॉड ब्लेस यू प्रभु आपको सबको आशीष करे प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में रूपांतर लेके आए सब लोग जो लोग ये वचन सुना नहीं है आप लोग जरूर ये फेसबुक लाइव है बाद में आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेंगे आप लोग ज़रूर सुनना अपना अपना ज़िंदगी में हम लोग को भी इन दिनों में प्रभु हमसे बात करता हुआ बातें जो है आप लोग से शेयर कर रहा हूँ आप प्रभु हमारे ज़िंदगी में सबको सहायता करें ले चलाएँगे विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे सच्चे विश्वास से आगे बढ़ेंगे हम लोग वापस हम लोग थर्सडे शाम को गुरुवार शाम को हम लोग 8 बजे हम लोग वापस मिलेंगे प्रभु हम लोग को सबको सहायता गॉड बी विद यू गॉड ब्लेस यू